पर बकरिया पे चला मारता हूं ही चला शानो गरीब आदमी है, सात लड़की है, एक लड़को है छोटो सो के, सात लड़की है मेरे, और ये आदमी है मेरो, ये आदमी है गरीब आदमी है, मैं तो सा कुमा के पेट भरा मारो खाजर बकरियों पाल के पेट भरा, अब भी मारी तो रोटी रोजी की छुटकी, अब के करंगा मैं बस को लीजिए इनकी बोले, अब के करा गरीब आदमी हम, मैं तो मर गया सुन नहीं, 50,000 को दन गयो मारो तो दूंगा थोड़ा मेरे पल्ले तो कुछ नहीं दिया यार। नहीं नहीं आस रखो, भी मुआवजा भी दुआएंगे दूसरी बकरियों को लाने के लिए, वनी बाघ आए भी है, आपको कुछ मुआवजा भी देगा उनके बदले में, थोड़ा सा आस आस रखो। 2 बजे के बाद मैंने रात को नींद सोया भी नहीं, सुबह 5 बजे तक उसका पहरा लगाता रहा, फिर भी 5 बजे हर हालात में जरूर आया एक बार। इस परिवार की रोजी रोटी इन बकरियों पर निर्भर थी, वो परिवार आज दुखी हालात में है, लगातार गांव के लोग भी यहां मौके पे पहुंच रहे हैं, लगातार संपर्क भी बनाए हुए हैं वन विभाग की टीम से, और पकड़ने के प्रयास शायद वन विभाग टीम अभी तक नहीं शुरू कर पाई, उनका कहना है कि बाजरे जैसी फसल के कारण होंगे, लेकिन कुछ परिवार हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा क्या हुआ घटना थोड़ा सा बताइए ना, आप देखा था क्या कुछ ऐसा? 2 बार देखा, बड़ा बड़ा मुका सफेद कलर को हो, दौड़ के डंडा पर के कूद के वापिस बाज गो, ये मेरे जेठ का लड़का ये पीछे भी भाग गया, आगे तानी बाज गो, फिर ये वापिस आगा, अब आया कौन बेरो का जैसी बकरी मारी, अब देखो मैं तो गरीब आदमी हम मजूरी आदमी हम मजूरी गेड़ आदमी परिवार शायद हूं साथ है परिवार बकरिया पे चला मारता हूं ही चला शानो गरीब आदमी है, सात लड़की है, एक लड़को है छोटो सो के, सात लड़की है मेरे, और ये आदमी है मेरो, ये आदमी है गरीब आदमी है, मैं तो सा कुमा के पेट भरा मारो खाजरू बकरियों पाल के पेट भरा, अब भी मारी तो रोटी रोजी की छुटकी, अब के करांगा मैं, वन विभाग की टीम भी खाली होगा मारा तो साफ खुटो खाली होगा। देखो वन विभाग की टीम कर रही है कि हम प्रयास करेंगे कि आपको मुआवजा इस विषय में दिलवाएं, हम भी हमारे मीडिया के माध्यम से तमाम जो अधिकारी इस मामले में इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी अपील करते हैं कि ऐसे परिवार में जो पूरा परिवार इन बकरियों पर निर्भर था, ऐसा दुख की घड़ी है कि आप उसकी मदद के लिए अगर आप आगे आए या बात करूँ तो अगर उन्हें एक जायज मुआवजा मिले तो परिवार की रोजी रोटी वो लगातार चल सकती है। इस मामले में 2 बकरियां इलाज वगैरह करवा लिया गया इनके छत टिका तो लगा लिया, अपन बाकी गया ना भाई, बोले बचेंगे कोई नहीं बकरी अभी खत्म होंगी, काम भी जहर दौड़ जा वो हाँ बख है के गया ही गादी खा गा भी बकरी के कि एक ने ऊपर पकड़ ली नहीं तो वो बोला इनके आस को नहीं जीण की बोले, अब के करा गरीब आदमी हम, मैं तो मारे गया सुन नहीं, 50,000 को दन गयो मारो तो, अब बकरी 8,000 की भी तो वही और कठे हो लावांगा, इब कठे ही मत मारे हैं कि जोर की ए आदमी मजूरिया देख ले के डोल मारो तो। बिल्कुल हम भी हमारे चैनल के माध्यम से इस मामले में प्रशासन पे लगातार कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि इस परिवार को एक जायज मुआवजा दिया जाए ताकि इस परिवार जो इन बकरियों पे निर्भर था वो उनका परिवार का गुजारा है वो हो सके। और मैं बात करूं इस वक्त कोलशा में मौजूद हूं, ये बस्ती कौन सी है? हरिजन बस्ती। हाँ, हरिजन बस्ती के नाम से ये क्षेत्र सोनिया सोनिया परिवार मेघवाल। अच्छा अच्छा। सूचना मिली सुबह 7:30 बजे की ग्राम कोलशा में हरिजन बस्ती में किसी अज्ञात जंगली जानवर ने 3 बकरियों का शिकार कर लिया है, तो वन विभाग की टीम मौके पे पहुंची, मौका मुआयना किया तो 3 बकरियां मृत पाई गई जिसमें 2 बकरा और 1 बकरी थी, उनकी कीमत करीब 8-10 हजार रुपए मानी जाती है। मौके पे जंगली जानवर के पग मार्क देखे गए, कुत्ता जैसे पाए, तो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इसमें मौके से जो कहते हैं कि लाड़ी या भेड़िया होना प्रतीत है। अब मौके पे जंगली जानवर न तो स्थानीय लोगों को दिखाई दिया न मौके पे देखा गया, किसी कैमरे में जरूर कैद हुआ है जो सफेद रंग का भेड़िया टाइप ही जानवर है, उसकी तहकीकात की जाएगी, उसके बाद में ही पता लगेगा कि शिकार भेड़िया द्वारा हुआ है या कुत्तों द्वारा हुआ है। अवन विभाग की तरफ से इनको मुआवजा का प्रावधान है, पुलिस रिपोर्ट करवा दी गई है और मौके पे पुलिस मेडिकल रिपोर्ट करवा दी गई है पशु चिकित्सा द्वारा, और मौके पे पंचनामा वन विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो भी नियमानुसार मुआवजा मिलेगा वो अपने प्रकरण के कागजात लाकर विभाग को देंगे तो आगे अप्लाई के लिए दिया जाएगा, जब भी उनका बजट आवंटन होगा तो उनको जरूर मुआवजा की राशि दे होगी। ऐसे किसी जानवर को पकड़ने के प्रयास अभी कर रहे हैं क्या आप लोग, क्योंकि पहले भी हमला हो चुका है, दोबारा हमला हुआ, ये बार बार ये शिकायत कई जगह से आ रही है, पहले परसामपुरा से आ रही थी, अब कुछ दिन पहले बेरी से आ रही है, अब आज कोलशा में ऐसी घटना हुई है,
तो अब ये अभी तो खेतीबाड़ी में फसल तैयार है तो स्पष्ट रूप से जानवर का कोई पता नहीं लग पा रहा है, और पता लगने पे इनको कैद किया जाएगा पिंजरे में वन विभाग की टीम द्वारा। गाइडलाइन है कि जो पशु रखते हैं बकरी जैसे जानवर रखते हैं उनके लिए आपकी तरफ से? उनको तो यही निर्देश है अपने पशुओं की बचा के आप सुरक्षा रखें, किसी बाड़े में या किसी छपरे में बांधे चार दीवारी के अंदर। हाँ बिल्कुल है, संपर्क नंबर ऑनलाइन है वन विभाग के नंबर, नंबर बता दीजिए। हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारी का नंबर है नवलगढ़ के जो ऑनलाइन है, वन मंडल DFO के नंबर है जो देखे जा सकते हैं।